भोपाल मुख्यालय द्वारा जारी आदेश अनुरूप महिला डेस्क का उद्घाटन, पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ कुल 700 ऊर्जा महिला डेस्क का शुभारंभ हुआ। इसी कड़ी में खरगोन जिले के 16 थानों पर ऊर्जा महिला डेस्क की स्थापना हुई। लिहाजा जिला मुख्यालय खरगोन थाने पर महिला डेस्क का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर ML कनेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया, ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार, SDOP रोहित अलावा, थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि नारी शक्ति को समाज में कई पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, जिनकी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सौगात का शुभारंभ किया। वहीं मीडिया के माध्यम से समाज की महिलाओं को पुलिस कप्तान ने आगाह किया है कि किसी भी समय आकर वे सेवा का लाभ ले सकती हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। रहने या रुकने की परेशानी है तो वहाँ पे वन स्टॉप सेंटर में भी उनको रुकने की व्यवस्था की जा सकती है। उसके साथ उनको विधिक जो परामर्श है विभिन्न परेशानियों में जो उनको ज़रूरत हो सकती है तो उसको भी प्रदाय उनको मुफ्त में किया जाएगा। इसके अलावा अगर यदि उनके किसी उसमें कार्रवाई बनती है या पुलिस के अलावा अन्य किसी विभाग से उनके किसी मामले में उनको कार्रवाई की अपेक्षा रहती है तो वो भी उनको विभिन्न जो विभाग हैं उनसे भी समन्वय स्थापित करके वो मदद प्रदान की जाएगी। तो ओवरऑल महिलाओं के संबंध में जो भी उनको परेशानियां हैं उनकी एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के तौर पे ये महिला डेस्क जो है इनकी स्थापना की गई है। और आपके माध्यम से मैं सभी जो भी लोग इसको देख रहे हैं उनको कहना चाहूँगा, विशेष तौर पे जो महिलाएं हैं कि कोई भी व्यक्ति है उनके संबंध में या रिलेशन में कोई या जान पहचान में ऐसी कोई महिला है जो पीड़ित है तो वो निश्चित तौर पर आके इन किसी भी 16 थानों के महिला डेस्क में आके संपर्क कर सकती हैं और मदद प्राप्त कर सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।